नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। दुनिया में आज भी कई ऐसी रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं जिनकी सच्चाई शायद ही किसी को पता हो। इनमें से कुछ चीजें तो इतनी प्राचीन, डरावनी व श्रापित है जिनके बारे में कभी किसी ने शायद ही सोचा होगा कि वो कभी ऐसी भी हो सकती है। आज हम कुछ ऐसी ही 10 रहस्यमयी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका राज आज तक नहीं खुला। इन रहस्यमयी चीजों के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 10, मॉस्को शहर में मिला प्राचीन पेंच। एक ऐसा रहस्यमयी पेंच जो बताया जा रहा है डायनासोर की उम्र से भी पहले का। कैसे हो सकता है ये मुमकिन, जाने रहस्य। पेंच यानी स्क्रू का आविष्कार सन 1908 में हुआ था, लेकिन सन 1998 में हुई मॉस्को शहर की एक खुदाई में वैज्ञानिकों को एक पत्थर मिला जिसके अंदर एक स्क्रू जमा हुआ था। जब शोधकर्ताओं ने इस पत्थर की उम्र जानने की कोशिश की तो पता लगा कि यह 3000 करोड़ साल पुराना पत्थर है, यानी डायनासोर के अस्तित्व से भी पहले का। आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया कि आखिर इंसानों के जन्म से भी पहले आखिर ये पेंच आया तो आया कहां से। वैज्ञानिकों ने जोड़कर देखा इसे एलियंस से। कॉस्मोपोइस्क ग्रुप के नाम से जानी जाने वाली एक रूसी शोध टीम जो यूएफओ और असाधारण गतिविधियों की जांच करती है ने दावा किया है कि उसे 300 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टान के अंदर एक इंच का जो पेंच मिला है, यह पेंच एक प्राचीन तकनीक का अवशेष हो सकता है जो साबित करता है कि लाखों साल पहले पृथ्वी पर एलियंस आए थे। कई वैज्ञानिकों ने इसे एक प्राचीन समुद्री जीवाश्म भी बताया। मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार जिन वैज्ञानिकों ने इस वस्तु के फोटोग्राफिक साक्ष्य की जांच की है उनका कहना है कि इस घटना का एक और अधिक सांसारिक उत्तर है। पेंच वास्तव में एक प्राचीन समुद्री जीव का जीवाश्म अवशेष है जिसे क्रिनॉइड के नाम से जाना जाता है। क्रिनॉइड्स समुद्री जानवरों की एक प्रजाति है जिसके बारे में माना जाता है कि यह लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुआ था। इनकी विशेषता ऊपरी सतह पर मुंह है जिसके चारों ओर खाने वाले हाथ हैं। आज लगभग 600 क्रिनॉइड प्रजातियां हैं, लेकिन अतीत में वे बहुत अधिक प्रचुर और विविध थीं। इन सब उत्तरों के बाद भी आज तक इस प्राचीन चीज के बारे में कुछ सटीक नहीं पता चल सका है, इसलिए यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 9, क्रॉप सर्कल्स, रहस्यमयी आकृतियां। क्या इन आकृतियों को एलियंस बनाते हैं? आइए जाने पूरी कहानी। कैसा लगेगा आपको अगर आप एक सुबह सोकर उठें और आपके घर के ही एक कमरे में कोई अजीब सी आकृति बनी मिले? आप हैरान रह जाएंगे, है ना। हमारे घर के सामने की सड़क भी अगर अचानक बन जाती है तो हम कितने हैरान रह जाते हैं। पर 1970 के आसपास इंग्लैंड और इसके करीबी इलाकों में अचानक ही ऐसी एक घटना घटने लगी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। 1970 के दौरान यूनाइटेड किंगडम के खेतों में अजीब तरह के पैटर्न्स बनने शुरू हो गए। असल में होता यह था कि लोग जब सुबह सोकर उठा करते थे तो उन्हें अपने खेतों में ज्योमेट्रिकल आकार बने दिखते थे। इन्हें देख पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। एक समय आया जब ये भारी संख्या में बनने लगे। इसमें फसल को दबाकर जमीन में आकार बनाए जाते थे। इसके विषय में बहुत सी अफवाहें उड़नी शुरू हो गईं, जैसे कि ये आकृतियां खेतों में खुद ही उभर आती हैं। कुछ लोग इसे एलियन से जोड़कर देखने लगे। लोगों में ये बात फैल गई कि ये क्रॉप सर्कल्स असल में एलियंस द्वारा भेजे गए संदेश हैं जिन्हें कि इंसान डिकोड नहीं कर सकते। इन सर्कल्स के साथ हैरान कर देने वाली बात ये होती थी कि ये ज्यामितीय रूप से इतने सटीक बने होते थे कि इसके इंसानों द्वारा बनाए जा पाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऐसे में एलियंस जैसी अफवाहों को और अधिक हवा मिली। पर फिर धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि फिलहाल एलियन जैसी किसी भी शक्ति के होने की बात नहीं स्वीकारी जा सकती है। बोवन एंड कोरली नामक दो लोगों ने इन सर्कल्स को बनाने की बात स्वीकारी। उन्होंने कहा कि अधिकतर सर्कल्स उनके ही द्वारा बनाए गए हैं, पर साइंटिफिक स्टडीज के बाद कुछ लोगों का कहना था कि ये सर्कल
इंसानों द्वारा बनाए ही नहीं जा सकते और आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर इन सर्कल्स को कौन बनाता है। हालांकि कुछ और लोगों ने भी ऐसे कुछ सर्कल्स बनाकर टीवी पर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा करने पर लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये सब लोग अपने आप को फेमस बनाना चाहते हैं इसके जरिए। इसी कारण से आज तक इन सर्कल्स की असली सच्चाई सामने नहीं आ सकी है। नंबर 8, लेट्टा की गुड़िया। 45 साल पहले वाग्गा में एक भुतहा घर के नीचे मिली 200 साल पुरानी जिप्सी गुड़िया इतने सालों बाद भी सुर्खियां बटोर रही हैं। लेट मी आउट नामक गुड़िया को ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रेतवाधित वस्तुओं में से एक माना जाता है। जब से यह स्थानीय घर के नीचे से पुनर्जीवित हुई है, तब से इसे अजीब घटनाओं से जोड़ा जा रहा है। मनोविज्ञानियों ने वर्षों से गुड़िया की जांच की है और उनका मानना है कि यह एक छोटे लड़के के लिए बनाई गई थी जो डूब गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह अपनी इच्छा से चलती है और घरेलू वस्तुओं को स्थानांतरित करता है। रोमानिया के लोगों के अनुसार, एक रोमानियाई व्यक्ति ने अपने बेटे के लिए हस्तनिर्मित गुड़िया बनाई, लेटा। इस गुड़िया में एक बच्चे की आत्मा है। इस गुड़िया में उस बच्चे की आत्मा है जिसके लिए इसे बनाया गया था। असल में बात कुछ ऐसी है, एक दिन अचानक पानी में डूबने से उस बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन दुख की बात है कि वह लड़का गुड़िया के साथ अपनी मौत के बाद भी उलझा रहा और उसकी आत्मा गुड़िया के अंदर ही फंस गई। फिर उस व्यक्ति ने जिसने इस गुड़िया को बनाया था, अपने एक कर्मचारी के बेटे तक इस गुड़िया को पहुंचाने का फैसला किया। बच्चे ने दावा किया कि गुड़िया ने उससे बात की, जबकि लगातार अलग अलग घर के मालिकों ने बताया, गुड़िया को पकड़ने या उसके आसपास रहने से बहुत दुख होता है और वे रोने लगते हैं, जबकि कोई कारण नहीं होता। इससे जो बच्चा खेलता है वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। कई लोगों ने तो यहां तक बताया है इस गुड़िया के बारे में कि ये गुड़िया अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, और कई बार तो इसको बातें करते हुए भी देखा गया है। लेट्टा के मालिक कैरी वॉल्टन अब वार्विक में रहते हैं। न्यूज कॉर्प की रिपोर्ट है कि वह लोगों को अप्रैल में एक दुर्लभ सार्वजनिक उपस्थिति में डरावनी गुड़िया से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका देते हैं, और यहां तक कि उसके साथ एक फोटो भी खिंचवा सकते हैं केवल $5 देकर। नंबर 7, रहस्यमय पत्थर। इन पत्थरों की खोज लगभग 1930 के दशक में की गई थी। 16 टन वजनी इन पत्थरों को हाथ से बनाया गया है। सबसे छोटे पत्थर की आकृति किसी टेनिस बॉल जैसी है। घने जंगलों में इस तरह की आकृति बनाना लगभग असंभव है। इन पत्थरों को किसने बनाया, क्यों बनाया, यह आज तक रहस्य ही है। नंबर 6, प्राचीन इलेक्ट्रिक प्लग। सन 1998 में एक और ऐसी ही चीज मिली थी जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। दरअसल नॉर्थ अमेरिका का एक व्यक्ति ऐसे ही वॉक पर निकला था और तभी उसने एक इलेक्ट्रिक प्लग जैसी आकृति देखी। जब उस व्यक्ति ने वहां की खुदाई की तो उसने एक बहुत बड़े पत्थर के बीच प्लग फंसा पाया। इस व्यक्ति ने आगे चल के इस पत्थर को $5,000 में बेचा था। वैज्ञानिकों द्वारा इसकी जांच करने पर पता चला कि ये पत्थर 1,00,000 साल पुराना है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी पहले जब बिजली का भी अविष्कार नहीं हुआ था, तब इलेक्ट्रिक प्लग कैसे हो सकता है हमारी इस दुनिया में। इसे भी लोग एलियंस से जोड़कर देखते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 5, द एंग्विश्ड मैन, व्यथित आदमी की पेंटिंग। द एंग्विश्ड मैन को दुनिया की सबसे डरावनी और भुतहा पेंटिंग कहते हैं। इसे किसने बनाया ये किसी को नहीं पता, लेकिन कलाकार ने इसे अपने या किसी के खून से बनाया था। सीन रॉबिन्सन नाम के शख्स को ये पेंटिंग अपनी मृत दादी के संदूक से मिली। इसे देखने के बाद से ही सीन के साथ हादसे होने लगे। उसे लगातार आवाजें सुनाई पड़ती, खाली घर में अजनबी चेहरे दिखते। इसका रहस्य जानने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन सबके साथ कोई ना कोई ऐसी डरावनी घटना हुई कि वे पीछे हट गए। खुद सीन ने पेंटिंग किसी को न बेचने का निश्चय किया
और उसे किसी अज्ञात जगह पर छिपा दिया। वैसे इंटरनेट पर इसके प्रिंट मिल रहे हैं, लेकिन वे सेफ हैं। मुश्किल असली पेंटिंग के साथ है, जिसे अभिशापित कहा जाता है। नंबर 4, प्राचीन सेल फोन। मिला प्राचीन सेल फोन, जिसे देखकर हो गए सब हक्के बक्के। जो सेल फोन आप तस्वीर में देख रहे हैं, वह 1300 ईस्वी का है, जिसे ऑस्ट्रिया में 2015 में खोजा गया था। हम सभी जानते हैं कि सेल फोन टेक्नोलॉजी 30 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, तो फिर आखिर ये 700 साल पुराना फोन आया तो आया कहां से? कई लोगों का कहना है कि यह एलियंस पृथ्वी पर छोड़ गए होंगे, या फिर इसे टाइम ट्रेवल से भी जोड़ा जाता है। आज तक इस गुत्थी को कोई नहीं सुलझा पाया है। नंबर 3, द स्टेज क्राफ्ट। कलाकार लॉरा पी की एक तस्वीर द स्टेज क्राफ्ट अभिशापित कहलाती है। इस पेंटिंग को कलाकार ने एक फोटोग्राफर की तस्वीर से प्रेरित होकर बनाया था। हालांकि फोटोग्राफर ने तस्वीर देखने के बाद बताया कि उसकी ली फोटो में तो गाड़ी के पास कोई आदमी खड़ा था ही नहीं। ये सच था, लेकिन लॉरा ने भी खुद अपनी तस्वीर में कोई आदमी नहीं बनाया था, तब भी पेंटिंग में गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा दिखता है। लॉरा ने ये पेंटिंग एक दफ्तर में रखवाई। वहां लगातार गड़बड़ियां होने लगीं, पेपर गायब होने लगे। लगातार कई सालों तक ये हर खरीदार के साथ मुश्किलें लाती रहीं। लोग कटे सिर के आदमी को घूमता देखते, आखिरकार पेंटिंग को जलाना पड़ा। नंबर 2, प्राचीन रहस्यमयी हथौड़ा। इस हथौड़े की खोज सन 1936 में एक पति पत्नी द्वारा हुई थी। यह हथौड़ा करीब 4000 करोड़ साल पुराने एक चट्टान के बीच में फंसा हुआ मिला था। हैरानी की बात यह थी कि इस लोहे के हथौड़े पर बिल्कुल भी जंग नहीं लगा था, जबकि इसका लकड़ी का हैंडल कोयला बन चुका था। नंबर 1, द क्राइंग बॉय पेंटिंग। इस पेंटिंग में छिपा है कई मौतों का राज, मशहूर हुई और फिर बदनाम भी। ये कहानी है एक शापित पेंटिंग की, जो एक मशहूर चित्रकार ने बनाई थी। शुरुआत में यह पेंटिंग बेहद मशहूर हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही इसे जमकर बदनामी भी मिली। दरअसल ये तस्वीर कई हादसों की जिम्मेदार मानी गई है। कहते हैं ये पेंटिंग जिधर भी लगाई गई, वहां बुरी तबाही मची। ये कहानी किसी मामूली चित्रकार की बनाई तस्वीर की नहीं, बल्कि इटली के मशहूर चित्रकार जियोवनी ब्रागोलिन की बनाई पेंटिंग की है। भले आप इस पर विश्वास न करें, लेकिन इस पेंटिंग के बारे में बहुत सी अजीबोगरीब जानकारी आपको इंटरनेट पर सर्च करने से भी मिल जाएगी। चित्रकार जियोवनी ब्रागोलिन ने 1985 में एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर बनाई थी, जिसका नाम ही द क्राइंग बॉय था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रागोलिन की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति में इस पेंटिंग को स्थान मिला था। जब क्राइंग बॉय की तस्वीर खूब पसंद की गई, तो ब्रागोलिन ने इसकी पूरी श्रृंखला तैयार कर दी। पेंटिंग इतनी मशहूर हो गई कि इस खास पेंटिंग की 50,000 तक प्रतियां बनाई गईं। ब्रागोलिन को इस पेंटिंग ने बेहद मशहूर किया, लेकिन यह भी सच है कि उन्हें शोहरत दिलाने के बाद इसी की बदौलत उन्हें बदनामी भी मिली। कहते हैं जिन लोगों ने इन पेंटिंग्स को खरीदकर अपने घरों की दीवारों पर सजाया, उनकी जिंदगी तबाह हो गई। घरों में हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। तस्वीर का नाम तब ज्यादा उछला जब एक फायर फाइटर का इससे जुड़ा एक बयान सामने आया। इस फायर फाइटर ने दावा किया वह करीब 15 घरों में आग लगने पर अपनी टीम के साथ गया। वह जिस भी घर में वे आग बुझाने जाते, वहां द क्राइंग बॉय पेंटिंग मिलती। उसका कहना था कि घर का सारा सामान जल चुका होता था, मगर यह पेंटिंग हर हाल में सही सलामत मिलती। बस तभी से पेंटिंग को शापित माना जाने लगा। लोगों ने इस पेंटिंग को घरों में रखना बंद कर दिया। बाद में एक अखबार के कहने पर हेलोवीन त्योहार के बोनफायर में सैकड़ों की तादाद में इस पेंटिंग की प्रतियां जला दी गईं। संयोग देखिए कि इसके बाद हादसों में भी कमी आने लगी, यानी लोगों ने मान लिया कि पेंटिंग वाकई शापित थी। आइए हम आपको इस पेंटिंग से जुड़ा एक और हैरान करने वाला तथ्य बताते हैं, जो इस पेंटिंग के शापित होने का कारण माना जाता है। लोग कहते हैं कि पेंटर ने बच्चों को रुलाने के लिए उसकी आंखों के सामने माचिस की तिल्ली जलाई हुई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगली वीडियो।